हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम विजय तेंदुलकर के लिखे प्ले कन्यादान की बात करेंगे, जिसको एंटी दलित प्ले कहकर भी खूब क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन तेंदुलकर तो ऐसी ही बोल्ड राइटिंग के लिए ही जाने जाते हैं। तेंदुलकर एक मराठी राइटर हैं जिन्होंने कन्यादान के अलावा और भी मराठी प्लेज लिखे हैं, जैसे साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। आज के नाटक का टाइटल है कन्यादान। इस टाइटल का प्रयोग राइटर ने नेगेटिव सेंस में किया है दोस्तों। इसमें एक अनरियलिस्टिक फादर अपने दिखावटी उसूलों और समाज में एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपनी कन्या को गलत हाथों में सौंपकर उसका दान कर देता है और उसे सफ़र करने के लिए छोड़ देता है। कन्यादान नाटक की थीम बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें कास्टिज्म की बात की गई है। हमने अक्सर सुना है और बुक्स में पढ़ा भी है कि अगर इंडिया से कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है तो अपर क्लास और लोअर क्लास में मैरिज कर देनी चाहिए। विजय तेंदुलकर का ये नाटक इसी स्टेटमेंट की सत्यता को परखता है और बताता है कि कुछ बातें बोलने और पढ़ने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर आ जाएं तो ये कैसे डिस्ट्रक्शन का कारण बनती हैं। इस नाटक को पेसिमिस्टिक टोन में लिखा गया है। मराठी थिएटर के एंग्री यंग मैन द्वारा लिखा हुआ ये नाटक कन्यादान 1996 में पब्लिश हुआ था और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया था गौरी राम नारायण ने, और इंग्लिश वर्जन दो एक्ट्स में डिवाइडेड है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें फादर नाथ देवालीकर से मिलाया गया है, जो फोन पर हैं और असन गांव पुणे को जाने वाली बस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। 60 ईयर्स की ओर बढ़ रहे नाथ एक MLA हैं दोस्तों, और अभी असन गांव के लिए पैकिंग कर रहे हैं। ये उनकी बेटी ज्योति है जो पैकिंग करने में उनकी हेल्प कर रही है, और इसकी उम्र लगभग 20 साल की है। नाथ अपने भाषणों के लिए प्रसिद्ध है और अपनी बेटी से पेट की दवाई रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर पेट सही नहीं होता तो स्पीचेज भी नहीं दी जाती, क्योंकि पेट सही ना होने पर दिमाग में विचार ही नहीं आते हैं। नाथ देवालीकर डेमोक्रेसी को मानते हैं और घर पर भी डेमोक्रेसी वाले रूल्स ही चलाते हैं। ये नाथ का बेटा है जो 23 साल का है, MSc की पढ़ाई कर रहा है, और ये है सेवा, जो अपने नाम की ही तरह समाज सेवा में लगी रहती हैं, रैलीज में हिस्सा लेती हैं, और नाथ और सेवा दोनों की लाइफ बिजी है दोस्तों। इनका घर बड़ा ज़रूर है, लेकिन घर में दोनों हस्बैंड वाइफ की मुलाकात कम ही हो पाती है। आज मौका है कि दोनों एक साथ घर पर कुछ समय के लिए रह सकते हैं। सेवा अपनी रैली से 11 बजे तक लौटेगी और नाथ ऐसन गांव को जाने वाली अपनी 1:30 बजे की बस को पकड़ने के लिए 12:30 बजे घर से निकलेंगे। इट मीन्स दे हैव 1.5 आवर। नाथ चिंतित हैं कि कहीं सेवा लेट ना हो जाए और आज भी उनकी अपनी वाइफ से मुलाकात ना हो पाए। ऐसे में बड़ा बेटा, जिसका नाम जयप्रकाश है दोस्तों, वो अपने पापा से कहता है, पापा अगर मम्मी से ना भी मिल पाओ तो हमें मैसेज दे देना, हम वो मैसेज उन्हें कन्वे कर देंगे। नाथ जवाब देते हैं, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स से मैरिज नहीं चलती बेटा, साथ रहना भी ज़रूरी होता है। ज्योति अपने पापा नाथ देवालीकर से कहती है कि वो कोई ज़रूरी बात करना चाहती है, लेकिन वो इसे तभी बताएगी जब मम्मी पापा साथ होंगे, और इस बात को कहने के लिए उसे सिर्फ 15 मिनट चाहिए। तभी मम्मी सेवा भी वहाँ पहुँच जाती है। बड़े घर में अब सारे सदस्य साथ हैं। ज्योति मम्मी पापा को अपने मैरिज के बारे में लिए हुए डिसीजन के बारे में बताती है। वो एक BA में पढ़ने वाले लड़के अरुण अठावले का नाम लेती है, जो कि एक दलित समाज से बिलोंग करता है। वो अठावले के बारे में मम्मी पापा को बताती है कि वो बहुत अच्छी पोएम्स लिखता है, और उसकी लिखी पोएम्स ने ही ज्योति को अरुण की तरफ अट्रैक्ट भी किया है,
और वो ये भी बताती है कि अरुण अठावले एक ऑटोबायोग्राफी पर काम कर रहा है, नाथ दामाद दलित होने वाला है, ये सोच सोचकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि अपनी स्पीच में आज तक हम हमेशा इंटरकास्ट मैरिजेस की वकालत करते थे और अब वो अरुण और ज्योति की मैरिज करके समाज के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। बेटी के डिसीजन पर नाथ देवालीकर तो बहुत खुश हैं दोस्तों, लेकिन माँ सेवा और भाई जयप्रकाश परेशान हो जाते हैं। सेवा अरुण के बारे में खूब पूछताछ करती हैं, जैसे ज्योति उससे कितने समय पहले मिली, अरुण के परिवार में कितने जने हैं, क्या करते हैं। ज्योति जवाब देती हैं कि वो अरुण को पिछले 2 महीनों से जानती है, वो 7 भाई बहन हैं, बड़ा भाई कोई काम नहीं करता है, बीए की पढ़ाई के साथ अरुण अठावले पार्ट टाइम जॉब भी करता है और लिखने के लिए भी समय निकालता है। फिजिकली और मेंटली अरुण अठावले बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। सेवा कन्विंस नहीं होती है और जयप्रकाश भी कह देता है कि बहन मैरिज लाइफ टाइम का डिसीजन होता है, सोच समझ कर डिसीजन लेना। माँ कहती है कि उनकी कल्चर और उनके रहन सहन और हमारी कल्चर और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फ़र्क है बेटा, क्या तू वहाँ एडजस्ट कर लेगी। ज्योति कहती है हाँ माँ, मैं वहाँ आराम से रह लूँगी। सेवा जवाब देती है कहना बहुत आसान होता है बेटा, करना उतना ही कठिन, और लड़कियों और औरतों के लिए तो प्रॉब्लम और भी बड़ी होती है, क्योंकि एक बार गलत डिसीजन हो गया तो लाइफ बर्बाद हो जाती है। लेकिन ज्योति अपने डिसीजन पर अडिग रहती है और नाथ देवालीकर की जिद पर अरुण अठावले को घर बुला लिया जाता है। ज्योति के बड़े घर में आते ही अरुण अठावले अनकंफर्टेबल हो जाता है। अभी घर पर ज्योति अकेली है, वो उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है। अरुण अठावले कहता है कि वो बड़े घर में अनकंफर्टेबल हो जाता है, ये बड़े बड़े घर बड़ी शार्क मछली या फिर क्रोकोडाइल की तरह है, जो कि हमें अपने अंदर कब निगल ले पता ही नहीं चलता। ज्योति कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, लेकिन अरुण मना कर देता है और कहता है तुम मेरे पास ही बैठो, और वो उसे अपने पूर्वजों की दर्दनाक हिस्ट्री बताने लगता है और कहता है कि कैसे ऊंची जाति वाले लोगों ने नीची जाति वाले लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया था, और ज्योति से पूछता है कि वो हमारे साथ कैसे एडजस्ट करेगी। हम लोगों के साथ ज्योति तुम्हें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिन्हें सोच कर भी तुम्हें घिन आती है, रह पाओगी मेरे साथ। अरुण अठावले की इन दुख भरी बातों को सुनकर ज्योति अपना चेहरा छिपा लेती है और रोने लग जाती है। फिर अरुण ज्योति को हंसाने की कोशिश करता है और जब ज्योति हंसने लगती है तो अरुण बोल पड़ता है हंसली रे हंसली एक बामिन फसली। तभी जयप्रकाश अपनी ट्यूशन क्लास से वापस आ जाता है, दोनों को एक साथ देखकर वो सरप्राइज होता है। कुछ समय बाद सेवा भी आती है और अरुण से बातचीत करती है। वो कहती है शादी के बाद फैमिली को कैसे पालोगे अरुण। अरुण जवाब देता है पाल लूँगा, कुछ नहीं हुआ तो हम गैर कानूनी दारू बनाने का धंधा कर लेंगे, बच्चों को भी गंदी प्लेट और ग्लासेस उठाने के काम में लगा देंगे। ये उत्तर सुनकर माँ सेवा और बेटा जयप्रकाश दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और अब नाथ देवालीकर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरुण की पॉजिटिव साइड को दिखाते हुए बेटी ज्योति की मैरिज अरुण अठावले से कर दी जाती है। हालांकि सेवा और जयप्रकाश नाथ की इस डेमोक्रेसी वाली फिलॉसफी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कुछ महीनों बाद ज्योति प्रेग्नेंट हो जाती है और अरुण का सही चेहरा भी सामने आ जाता है। अरुण दारू पीकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को खूब मारता पीटता है और याद दिलाता है कि ऐसा ही एक्सप्लॉयटेशन तुम्हारे पूर्वजों ने
हमारे पूर्वजों का किया था। अब सेवा तक भी ये बात पहुंची जाती है दोस्तों, वो अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल में जाती है और उससे कहती है कि डिलीवरी होने तक तू हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन ज्योति मना कर देती है। घर वापस पहुंचकर सेवानाथ को बताती है कि तुमने अपनी डेमोक्रेसी की फिलॉसफी से मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया है। अरुण अठावले आज अपने दो दोस्तों के साथ घर आकर उससे अपनी ऑटोबायोग्राफी के आयोजन पर कुछ बोलने के लिए कहता है। अब नाथ जो अंदर ही अंदर अरुण से चिढ़ने लगा है, ऐसा करने से साफ मना कर देता है, लेकिन अरुण उसे डरा धमकाकर इसके लिए राजी कर लेता है और सेवा भी नाथ से स्पीच दे देने को कहती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो उनकी बेटी के साथ और भी बुरा सलूक करेगा। अब नाथ देवालीकर आयोजन में पहुंचते हैं, बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी नज़र लास्ट में बैठी अपनी बेटी ज्योति पर पड़ जाती है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अरुण के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वो उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा। नाथ देवालीकर अरुण की और उसकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी की खूब तारीफ करते हैं, जिससे ज्योति नाराज हो जाती है और आयोजन के बाद रात के समय नाथ से मिलने उनके घर पहुंचती है और गुस्सा जाहिर करते हुए कहती है कि पापा, आज आपने ऐसा भाषण क्यों दिया? ये भाषण आपके सबसे बुरे भाषणों में से एक था। और अंत में ये बोलते हुए चली जाती है, अब मैं अछूत हूँ पापा, फ्लाई फ्रॉम माई शेडो, अदरवाइज माई फायर विल स्कॉर्च योर कम्फर्टेबल वैल्यूज। इसके बाद ज्योति चली जाती है और नाथ बैठकर अपने कन्यादान के गलत डिसीजन पर दुखी होकर सोचते रह जाते हैं। नाटक की समरी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।